हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा माधव कुंज
बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन 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 ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद 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 गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जनंद यशोदा दुलाल गिरिवर धारी गोपाल 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल युग धर्मराज हरि नाम संकीर्तन की जय
श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमाणंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ट्रेबल कम कर रहे हैं, बास वाले को मैं बढ़ाने बोल रहा हूं, इसका आवाज ही नहीं आ रहा बास का, बास कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनाय तदधाम वृंदावन राम्या काचिदुपाशना ब्रजवधु व्रजेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण मम प्रेमापुमेथो महा श्री चैतन्य महाप्रभु मत मिदं तत्रादरे न पर वंशी विभु सितकरा नवणीर दाभा पीताम्बरातरुणबिम वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्वहं न जाने। करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयान्तं वटशपत्र शपुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्ग्रये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्ट्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम थोड़ा बच्चों को एक बार धर्मेंद्र को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रतिस्थापित दामोदर लीला के इस द्वितीय दिवस में आप सभी भक्तों का स्वागत करते हैं। भक्तों जब तक हम इस जगत में हैं इस संसार में हैं तब तक हमें बहुत सारे दुख अक्सर सताया करते हैं हमेशा कि भाई कल क्या होगा परसों क्या होगा तरसों क्या होगा हमारे बुढ़ापे में क्या होगा है ना सताता है कि नहीं ऐसे ही एक ब्राह्मण आपके बगल के ही शहर काशी में रहा करते थे। उन्होंने सोचा कि भाई अभी तो मैं जवान हूं अभी कुछ धन धनोपार्जन कर पा रहा हूं लेकिन बाद में क्या होगा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा उस समय क्या होगा सोचा कि एक काम करता हूं ब्राह्मण हूं ही थोड़ा संस्कृत पढ़ लेता हूं कुछ संस्कृत के श्लोक को याद कर लेता हूं संस्कृत याद कर लूंगा तो क्या होगा जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो संस्कृत पढ़ाऊंगा और जीवन यापन कर लूंगा। तो वह रटने लगा क्या संस्कृत के व्याकरण डुक्रिम करने संस्कृत का व्याकरण है वह रटने लगा भाई डुक्रिम करने उसी समय वहां से शंकराचार्य गुजर रहे थे और उन्होंने देखा कि यह व्यक्ति इस बुढ़ापे की अवस्था में भी क्या रट रहा है डुक्रिम करने रट रहा है जबकि इसे करना क्या चाहिए भजे गोविंदम बहुत सुंदर उन्होंने रचना की भजे गोविंदम भजे गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते शम प्राप्ते शरणी ते काले नहीं नहीं रक्षित डुक्रिम करणे शम प्राप्ते शरणी ते काले नहीं नहीं रक्षित डुक्रिम
करणे भज गोविंदम मोहग्रस्त बुद्धि वाला मूड मतलब क्या होता है? मूड मतलब क्या होता है? मूर्ख मूर्ख मूड मते वाला आदमी क्या डुक्रीम करने डुक्रीम करने डुक्रीम करने लगा रहा है? संप्राप्ते सन्निहिते काले जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम्हारी मृत्यु होगी उस समय ये संस्कृत के व्याकरण कार्य नहीं आने वाला है, ये धान काम आ जाएगा नहीं आएगा, धान भी काम नहीं आएगा, पैसे पैसे भी काम। सिकंदर जो पूरे दुनिया का बादशाह था, पूरी दुनिया का राजा था, और जब वह भारत से वापस गया, जब वापस गया तो अपने मंत्रियों को अपने रानियों को कहा कि मैं जब मरूं ना और जब मेरा जनाजा लेकर के जाए तो उस रास्ते पर ये जो मैंने पैसे जमा किए ना इसको बिछा देना, और मेरे हाथ मेरे जनाजे से बाहर रख देना। बोले महाराज महाराज आज तक आपके परिवार में आपके कुल आपके खानदान आपके गांव में आपके शहर आपके देश में आपके समाज में किसी ने ऐसा नहीं किया, आप करें, ऐसा क्यों? बोले क्योंकि मैं जगत को बताना चाहता हूं कि ये सिकंदर जो पूरे दुनिया का बादशाह था, जिनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं, वह सिकंदर भी जब मरा ना तो उसके दोनों हाथ खाली थे, रास्ते में हीरे जोहरात बिखरे हुए थे लेकिन उठा नहीं पाया। इसीलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते संप्राप्ते क्षण निहिते काले नहीं नहीं रक्षित डुक्रिम करणे संप्राप्ते काले नहीं नहीं रक्षित डुक्रिम करणे संप्राप्ते सन निहिते काले नहीं नहीं रक्षित डुक्रिम करणे संप्राप्ते तृष्णम कुरुस्वद बुद्धि मंशि वितृष्णम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते मोहित बुद्धि वाला व्यक्ति मूड जही धनागम तृष्णा हे मोहित बुद्धि वाला व्यक्ति धन एकत्रित करने के लोभ को त्यागो। ये LIC वाले मृत्यु रोक सकते होंगे, रोक सकते LIC वाले आपकी मृत्यु को? नहीं रोक सकते। अपने मन से इन समस्त कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने आप को प्रसन्न रखो और भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते भज गोविंदम भज गोविंदम मूड मते हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। इसीलिए LIC की चिंता नहीं करनी चाहिए अथवा आगे क्या होगा, भगवान जरूर भरण पोषण करेंगे। बुढ़ापे की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोग चिंता करते हैं ना बुढ़ापे की। हमारे गुरु महाराज के माता जी सोचा करती थी, ये लड़का पढ़ता नहीं है, मतलब महाराज तो पढ़ने में बहुत एक्सपर्ट थे, मतलब जो विषय है वो नहीं पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, महाराज का नियम था ना। अभी हम लोग गए थे कुछ दिन पहले, तो नदी क्रॉस करने से पहले कोई पेड़ है वहाँ पर बैठ करके महाराज का नियम था कि डेली एक अध्याय भागवत याद करेंगे। हाँ, एक अध्याय याद करते थे और एक स्कंद पारायण करते थे तब आते थे। माता जी चिंता करते थे क्या होगा इसका, क्या होगा। और आज आप सब तो परिचित ही हैं कि कितने सारे लोग महाराज की सेवा करने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं ना, पैर भी करते हैं ना कि हमें थोड़ी कुछ सेवा मिल जाए। और हमारी स्थिति क्या है घर पे, अब राम जी इसकी सुन लेते तो अच्छा था, बूढ़ा दिन भर खां खां करते रहता है। झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। मैं गया था एक बार किसी व्यक्ति के इधर, तो उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया था। जब मैं भक्ति नहीं आया था, बहुत पहले की बात है, अपने चाचा के साथ गया था, काफी बड़े लोग थे, घर तो अच्छा था, खाना भी अब उस समय के अनुसार से जो अच्छा खाना होता था वो बनाते थे। जब भक्ति में नहीं आया था उस समय, तो उन्होंने बनाया, तो बैठा था मैं खा रहा था, तो उनकी माता जी सीढ़ी घर से चिल्ला रही थी, खाने के लिए बैठा हूँ। मैं बोलता हूँ क्या कर रही है, बोल नहीं ऐसे ही चिल्लाती रहती है, अब उम्र हो गया है, अब चली जाती तो वही अच्छा था। सोचिए अपनी माता जी है, अब राम जी सुन लेते तो वही अच्छा था। ये अंतर है, अगर आप अपनी जवानी भगवान को देंगे और अगर आप अपनी जवानी माया को देंगे। दो दृष्टांत दिखाया हमने, है ना, एक हमारे गुरु महाराज जिन्होंने अपनी जवानी किसको दिया, भगवान को दिया, भागवत को दिया, कृष्ण को दिया, प्रचार करने में लगाया। और एक व्यक्ति ने क्या किया, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा स्कूल जाएगा, पढ़ के हमको लेके जाएगा दूसरे जगह पे, अब पढ़ के भेज रहा है उसको दूसरे जगह पे। तो ये स्थिति है। खैर ये जगत ही दुखों का घर है, लेकिन उस जगत में भी अगर हम सुखी होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। तो आइए कल हम लोग श्रीमद् भागवत से दसम स्कंद के प्रथम अध्याय से सातवें श्लोक तक सुने, बस आठवें से आगे कंटिन्यू करेंगे। एक श्लोक हम लोग हर एक दिन की तरह पढ़ेंगे। और भागवत होना ना चाहिए पहले ही, डेली डेली बोलना पड़ेगा। ले जाइए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 8। ठीक है, मेरे साथ उच्चारण करिए जो जो सकेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम।
ठीक है, ओके पढ़ते। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंदस अध्याय एक श्लोक संख्या 8। रोहिण्या तनया प्रोक्ता रोहिण्यास्तन्या प्रोक्तम् रामसंकर्षणसत्वया देवक्या गर्भसंबंधा देवक्या गर्भसंबंधा कूतः देह अन्तरं विना कूतो देह अन्तरं विना। ओके, और कोई पढ़ेंगे? माता जी रोहिण्यास्तन्या प्रयुक्तो राम संकर्षणस्तया रोहिण्या तनया प्रोक्ता राम संकर्षणत्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना देवक्या गर्भ संबंध कुत देह अंतरम बिना। माता जी में से कोई पढ़िए। रोहिण्यास्तन्यः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया रोहिण्या तनया प्रोक्ता राम संकर्षणत्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतर विना देवक्या गर्भ संबंध कुतः देहांतरं विना। ओके, रोहिण्या तनया प्रोक्ता राम संकर्षणस्त्वया रोहिण्या तनया प्रोक्ता राम संकर्षणत्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना देवक्या गर्भ संबंध कुतः देहांतरं विना। ओके, शब्दार्थ रोहिण्या बलदेव की माता रोहिणी देवी का देव की माता रोहिणी देवी का तनयः पुत्र पुत्र प्रोक्तः विख्यात रामः बलराम शंकरषणः शंकरषण और कोई नहीं बलराम है जो चतुर्व्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा वसुदेव में प्रथम है। संकर्षण और कोई नहीं बलराम है जो चक्रव्यूह संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न तथा वासुदेव में प्रथम है। त्वया आपके द्वारा ऐसा कहा जाता है देवक्याः कृष्ण की माता देवकी का गर्भ संबंध गर्भ संबंधी कुतः कैसे देह अंतरम शरीरों के स्थानांतरण के विना। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं। हे सुखदेव गोस्वामी, आप पहले ही बता चुके हैं कि द्वित्य चित्रयुग से संबंधित संकर्षण रोहिणी के पुत्र बलराम के रूप में प्रकट हुए। यदि बलराम को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण न किया गया होता तो यह कैसे संभव हो पाता कि वे पहले देवकी के गर्भ में रहते और बाद में रोहिणी के गर्भ में। कृपया मुझे इसकी व्याख्या कीजिए। तात्पर्य पढ़िए। यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया है जो विशेष रूप से साक्षात संकर्षण बलराम को समझने की ओर लक्षित है। यह प्रसिद्ध है कि बलराम रोहिणी के पुत्र थे, किंतु यह भी ज्ञात है कि वे देवकी के पुत्र थे। परीक्षित महाराज इस रहस्य को जानना चाहते थे कि बलराम देवकी तथा रोहिणी दोनों ही के पुत्र किस तरह थे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आइए हम लोग पुनः कल जो हम लोगों ने चर्चा कर रहे थे कि परिचित महाराज बहुत सुंदर
उस माइक को बंद कर दीजिए, विसल कर रहा है, या फिर इधर दे दीजिए उसको। परीक्षित महाराज गंगा के तट पर, भागीरथी गंगा के तट पर बैठे हैं और परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव जी गोस्वामी महाराज गंगा की धारावत कथा कह रहे हैं और उस बहती हुई कथा, उस चलती हुई कथा को परीक्षित महाराज रोक रहे हैं। और रोक करके क्या जिज्ञासा किया कि महाराज आपने अभी तक हमें बहुत सारे राजाओं और महाराजाओं की क्या सुनाई, कथा सुनाई, लेकिन अब मैं इनकी कथा नहीं सुनना चाहता। अब मैं किनकी कथा सुनना चाहता हूं? कृष्ण की। तो महाराज सबसे पहले अब मानिए परीक्षित महाराज ये प्रश्न कर रहे कि महाराज सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा कहा कि बलराम का जन्म देवकी के गर्भ से भी हुआ और रोहिणी के भी गर्भ से हुआ, एक पुत्र और दो दो मां, एक पुत्र दोनों माता के गर्भ में कैसे रही? एक माँ के गर्भ में दो पुत्र रहना ये हमने सुना हुआ है, लेकिन एक ही पुत्र दो माता के गर्भ में, ये थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है, तो ये कैसे संभव है? कृपया करके आप बताइए। और यह भी बताइए कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए और जन्म लेते ही अपने माता पिता को छोड़कर व्रज में क्यों चले गए? कस्मात मुकुंद भगवान पितु गेहत व्रजम गतः क्ववासम ज्ञाते भी सार्धम कुतवान सातत्वं पति। मानो सुखदेव जी गोस्वामी कहे अरे डर गए होंगे कंस के भय से, भाग गए कंस के डर से भाग गए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ना ना ना, ये डरने वालों में से नहीं है। ये क्या है? कस्मात मुकुंदह है, मुकुंदह मतलब मुक्ति ददाती थी मुकुंद, तो जो दूसरों को मुक्ति प्रदान करे वो मुकुंद है, तो वो मुकुंद को डर नहीं लगता है, है ना? तो उनको डर नहीं लगता है। मुक्ति दाती तो मुकुंद, संसार के जीवों को जो मुक्ति देते हैं ये वो भगवान है। कुछ और कारण है, थोड़ा विस्तार से बताइए ना। और कितने समय तक कृष्ण व्रज में रहे? व्रज में रह रहकर उन्होंने क्या क्या किया? मथुरा में रहकर उन्होंने क्या किया? द्वारका में रहकर उन्होंने क्या किया? विस्तार से बताइए। प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि प्रभु इस संसार में किसी भी बच्चे को मामा बड़ा प्रिय होता है, देखा है ना, मामा से बड़ा प्रेम होता है, लेकिन कृष्ण ने अपनी ही मामा को मार दिया, जिससे प्रेम करना चाहिए उसे ही मार दिया, क्योंकि मामा में डबल माँ छुपा हुआ है ना, माँ प्लस माँ, मामा, तो उसको ही मार दिया। तो सुखदेव जी गोस्वामी कहते हैं मतलब जिससे प्रेम करना चाहिए उसे मार डाला। क्यों मारा, कैसे मारे, सब विस्तार से बताइए ना। तब मानो सुखदेव जी कहे कि परीक्षित तुम कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक काम करो, तुम तीन दिन और तीन रात से कथा सुन रहे हो और कुछ खाया कुछ पिया नहीं है, ना ही निद्रा ली है, एक काम करो थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा कुछ पी लो, थोड़ा आराम भी कर लो, चाहो तो एक आध घंटा सो जाओ कथा पंडाल में, कुछ नहीं चलेगा, और उसके बाद फिर हम लोग कथा शुरू करेंगे। तब महाराज परिचित कहे महाराज मुझे किसी भी प्रकार का भूख नहीं प्यास नहीं, मुझे किसी भी प्रकार का भूख प्यास बाधित नहीं कर रहा है, आप चिंता मत करिए, आप कथा सुनाइए, भूख नहीं लगी प्यास भी नहीं लगी। तब सुखदेव गोस्वामी प्रश्न करते हैं कि महाराज तुम तीन दिन तीन रात से लगातार कथा सुन रहे हो, ना सोए हो ना खाए हो ना पिए हो, बिना पलक झपकाए कथा सुन रहे हो, लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब आप वन में गए थे मृगड़ा करने के लिए तो आधे दिन भी प्यासे नहीं रह पाए और आपको पानी नहीं मिला, तो आपने क्या किया, किसी ऋषि मुनि का अपराध कर दिया और आपको श्राप मिल गया। वहां पर तो आप आधे दिन भी प्यासे नहीं रह पाए और यहां दिन दिन रात 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 भर आप प्यासे रह जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? तब परीक्षित महाराज कहते हैं पिबंतम
त्वत्मुखां भोजं च्युतं हरिकथामृतम्। हे सुखदेव जी गोस्वामी महाराज, आपके श्री मुख से झरने की तरह झर 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 गिरता हुआ कथा अमृत का जो पान कर रहा हूं, तो फिर भूख कैसा बताओ। जब व्यक्ति को अमृत मिल रहा है तो फिर वह सादा पानी क्यों मांगेगा? अमृत पीने वाला सादा पानी क्यों मांगेगा? इतना सुंदर अमृत जो पान करा रहा हूं। आप लोग देखिए, पान कर रहे हैं तो प्यास नहीं लग रही, मुझे लग रही है। तो मुझे किसी प्रकार का भूख नहीं, प्यास नहीं। महाराज, आप हमें कृष्ण कथा सुनाइए। तो सुखदेव जी गोस्वामी महाराज कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। आइए हम लोग भी अब सुखदेव जी गोस्वामी महाराज के साथ, परिचित महाराज के साथ बैठ करके परम विरक्त चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी के मुख से यह कथा सुनने का प्रयास करें। कहते हैं, भूमि दृप्त नृप्याज दैत्यानिक्षत आयुते आक्रांत भूरि भारे न ब्रह्माणं शरणं ययो। परिचित, ये द्वापर युग की बात है। कब की बात है? द्वापर युग के प्रारंभ की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में अनेक क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए। अनेक क्षत्रिय राजा महाराजा आसुरी वृत्ति को प्राप्त हुए, पर तो मतलब थे तो वह क्षत्रिय, लेकिन बुरी संगति करने से क्या बन गए? आसुरी वृत्ति के हो गए। क्योंकि संगति खराब हो गई तो फिर आसुरी वृत्ति के हो गए। क्योंकि आप जानते हैं संगति का बड़ा महत्व है, है ना? संगति का बहुत महत्व है, ध्यान रखिएगा। जीवन में संगति का बहुत महत्व, संगति कैसे करनी चाहिए इसका बहुत महत्व है। जीवन का आधार संस्कार संघ के ऊपर होता है। देखा जाता है कितनों ही अच्छा संस्कार हो, अगर संघ खराब हो गया तो व्यक्ति बिगड़ ही जाता है। कितनों ही अच्छा व्यक्ति हो, उसका संघ खराब तो व्यक्ति बिगड़ जाएगा। भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु वैष्णव का आचरण कैसा? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार। बुरी संगति को त्यागते हैं उसे वैष्णव कहा जाता है ना? तो द्वापर युग के प्रारंभ में राजा महाराजा असुरी वृत्ति को प्राप्त हुए और वे लगभग असुर जैसे बन गए। और असुरों का क्या कार्य होता है? ऐसे कुछ भक्त लोग कथा कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो बीच में आकर के कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न कर देना। मतलब भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है उसको काटे। जो भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है उसमें बाधा उत्पन्न करे, वह कौन है? असुर है। और कलयुग में इसकी संख्या बहुत कम है, बहुत अधिक है। और वो जोरनी के असुर एकदम काले काले खतरनाक ही हो, वो बहुत सुंदर फुल पैंट शर्ट और बहुत जेंटलमैन भी दिख सकता है। जोरनी की जंगल में ही रहे, हो सकता है हमारे घर के बाजू में भी रहता हो। जोरनी की बाजू में हमारे घर पे भी रहता हो, बचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो हमको भगवान की भक्ति में बाधित करे, वह किसी को भी, हमको ही नहीं, किसी को भी भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाए, वह असुर है, है ना? तो असुर लोग क्या करते हैं? साधुओं के साथ साधना बंद करा देते हैं, ऋषि मुनियों के यज्ञ को बंद करा देते हैं, भक्तों की भक्ति बंद करा देते हैं, अनेकों प्रकार का हिंसा करने लगता है।
बकरे को काटने लगते हैं, गायों को मारने लगते हैं। क्या हो रहा है, क्यों कर 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 रहा है? और जीवों की हिंसा में मग्न हो जाते हैं, मस्त शराब पीते हैं, मांस खाते हैं और घूमते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊपर जी तो ये पशुओं को मारना काटना ये सब असुरों के कार्य हैं। ये सारे राजा तमोगुनी हो गए, आसुरी वृत्ति के हो गए और उन राजाओं के पाखंड से इस पृथ्वी पर पाप होने लगा और उस पाप से ये पृथ्वी क्या हो गई, भारी हो गई। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारे भार हैं लेकिन पृथ्वी को वो सारे भार नहीं लगते। पृथ्वी को भार क्या लगता है? पाप। समझ रहे हैं? जब हम पाप करने लगते हैं ना तो पृथ्वी को बहुत भारी लगने लगती है। देवी पृथ्वी के ऊपर बहुत पाप होने लगे और इन पापों से दुखी होकर के बहुत कष्टदायी जब असहनीय हो गया तब देवी पृथ्वी कहाँ गई? तो कहते हैं ब्रह्मणम शरणम ययो, ब्रह्मा जी के शरण में गई। कैसे गई? तो कहते हैं गो भूत्वा अश्रुमुखी खिन्न करदंती करुणम। कैसे गई? गो भूत्वा मतलब गाय का रूप लेकर के गो भूत्वा अश्रुमुखी, आंखों में बहुत सुंदर अश्रु भर लिए और गई। अब गाय का रूप क्यों लिया? क्योंकि भक्तों इस 84 लाख योनियों में गाय ही एक ऐसा पशु है जिसे देख करके स्वाभाविक दया निकलती है और अगर ना निकले तो वो दूसरे वाले कैटेगरी में आएगा। कौन से वाले कैटेगरी में? हाँ, जो उसको देख करके उसके मन में करे कि इसको काट दें, उसको क्या हुआ? वो असुर हो गया। और जिसको देख करके स्वाभाविक प्रेम निकले वो भक्त समाज से है, वह देवता है। गाय ही एक शुद्ध सात्विक पशु है, दया का पात्र है। ब्रह्मा जी को दया आ जाए इसलिए पृथ्वी गए। पृथ्वी लोक से और यह पृथ्वी जो है सो ब्रह्म लोक में नहीं गई। आप जानते हैं ब्रह्मा जी का एक ऑफिस है पृथ्वी पर, कहां पर? सुमेरु पर्वत पर। पृथ्वी वहां गई, ठीक है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का एक दूसरा स्वरूप विराज ब्रह्मा है जो सुमेरु पर्वत पर रहते हैं। तो देवी पृथ्वी विराज ब्रह्मा के पास गई और पृथ्वी ने अपना सारा दुख सुनाया और दुख को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवी पृथ्वी, तुम पर बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा कष्ट आ चुका है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दुख को तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि मेरे पास आ गई हो तो कोई ना कोई साधन निकलेगा और वह साधन क्या है? भगवान विष्णु। जीवन में जब दुख होता है ना तो इसीलिए हमें अपने गुरु या किसी साधु के पास जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे वैसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। तो अब तुम्हें भगवान विष्णु के पास लेकर के जाऊंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, शिव जी को भी स्पेशल फोन किया कि आपकी जरूरत पड़ सकती है, आ जाइए। तो आ गए और ब्रह्मा जी जानते हैं कि भाई भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? हाँ, कीर्तन करना पड़ता है और उसके साथ साथ क्या करना पड़ता है? नृत्य करना पड़ता है, तब भगवान प्रकट होते हैं। नाहं वशामि वे कुंठे योगिणां हृदयेन च,
वैकुंठ में मैं नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ पर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं वहाँ पर रहता हूँ जहाँ पर मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, वहीं पर भगवान तो बहुत सुंदर ये लोग क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुषोक्त नाम की स्तुति करने लगे। बहुत सुंदर स्तुति किया क्या? सीता राम 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 सीता। अब लोग के मन में प्रश्न आ गया होगा, अरे ये तो भागवत कथा में प्रभु जी सीताराम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? नहीं आया कुछ लोगों के मन में तो प्रश्न आ गया। बड़े भेद देखते हैं हम ना भगवान राम और कृष्ण में, कोई भेद नहीं, ध्यान रखना चाहिए। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतरणा ही विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर कोई विशेष नहीं, निमिष मात का अंतर है। क्या अंतर है? इनके नयन गंभीर हैं। किनके? राम के। राम के नयन गंभीर हैं, सरल हैं। इनके चपल विशेष। इनके क्या है? थोड़ा चपल है, थोड़ा विशेष है। सीता राम 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 सीता, 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 राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय जय शूरनायक जनसुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। सीता राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम राम। गोद्विज हितकारी जय शुरारी, सिंधु प्रिया सुत कंता। सीता राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम राम। ये रामायण की छुपाई है। हमने तो सुना था कि बिहार में रामायण कंठस्थ होता है। चलो रामायण कंठस्थ नहीं है, छोड़ दो, सीताराम सीताराम करने तो आता है, करो, क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत है? राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। पालन क्षुर धरणी अद्भुत करणी, परम न जानत कोई। सीता राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम 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 सीता, राम राम राम। जो सहज कृपाला दीन दयाला,
करहु अनुग्रह सोई। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 समस्त देवतागण भगवान को प्रकट करने स्तुति कर कहते हैं प्रभु हे प्रभु आपका समस्त देवताओं के स्वामी आप अपने सेवकों को सुख देने वाले आप अपने शरणागत की रक्षा करने वाले हो अतः हे भगवान आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। हे गाय और ब्राह्मण के हित करने वाले हे यशनों का विनाश करने वाले हे समुद्र की कन्या के स्वामी हे प्रभु आज आप हम पर प्रसन्न हुए और हमारे सामने प्रकट हो जाए। ये देवताओं और पृथ्वी के भार को दूर करने वाले आपकी लीला अद्भुत है। आपकी लीला का भेद आज तक कोई नहीं जान पाया आप प्रकट होते हैं। जिनका सहज स्वरूप ही सहज स्वभाव ही कृपा करना है जो लोगों के ऊपर कृपा करते हैं दीनों के ऊपर दया करते हैं ऐसे प्रभु हम पर प्रसन्न हैं। जय जय अविनाशी सब घट पासी व्यापक परमानंदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम हे अविनाशी आप घट घट में रहते आप सर्वव्यापक प्रभु आप परमानंद स्वरूप हो आप अजेब हो आप संसार के जीवों के इंद्रियों से परे हो आपका चरित्र परम पवित्र है प्रभु आप माया से रहित हो आप मुक्ति देने में समर्थ हो। आज हम आपके द्वार पे आए हैं आप हमें दर्शन दीजिए हमारी रक्षा करें। जे ही लागे विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि बृंदा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 हे प्रभु आप सभी लोगों से विरक्त मोह और स्वार्थ से सदा सदा के लिए मुक्त आप इस संसार में अपने भक्तों के प्रेमी हो रात दिन बड़े बड़े साधु संत रात दिन जिनका ध्यान करते हैं जिनका गुणगान करते हैं उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार समस्त देवी देवतागण बैठे बैठे भगवान का कीर्तन करने लगे लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। अगर आज हम भी यहाँ भगवान को प्रकट करना चाहते हैं ना ज्यादा नहीं 7 मिनट के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा खड़े हो जाइए। और थोड़ा झूमते हुए भगवान का कीर्तन करना पड़ेगा भगवान को बुलाना होगा तो भगवान जरूर आएंगे। भगवान को प्रकट करना है कितने लोग चाहते हैं कि भगवान प्रकट हो बहुत कम लोग चाहते हैं जो लोग चाहते हैं वो अपना हाथ थोड़ा खड़ा करिए कौन कौन लोग भगवान को प्रकट करना चाहते हैं सभी लोग गुड तब थोड़ा नाचते हुए कीर्तन करना पड़ेगा ना आज मेरे अंगना में आओ नंदला आज मेरे अंगना में आओ नंदला आज मेरे अंगना
हरी हरी नाचते हुए भगवान को प्रकट करना है तो नाचना होगा। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, 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 आज मेरे अंगना में माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ। मिट्टी 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 बतिया सुनाओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, मिट्टी मिट्टी बतिया सुनाओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ पे यकुलिया शिश पे लकुरिया, पे यकुलिया शिश पे लकुरिया, दूध की दंतुलिया दिखाओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला, आज मेरे अंगना आओ नंदला, आज मेरे अंगना में आओ नंदला। देखिए देखिए देखिए, अगर भगवान को प्रकट करना है तो उदंड नृत्य करना पड़ेगा, अगर भगवान को प्रकट करना है तो उदंड नृत्य करना पड़ेगा। आज मेरे अंगना में आओ नंदला, 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 आज मेरे अंगना में आओ नंदला। मैं देख पा रहा हूँ पीछे की माता जी लोग, मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे की माता जी लोग नहीं नाच रहे, ना पीछे के प्रभु जी लोग नाच रहे हैं, फिर क्या फायदा।
आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जय हो कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो राधे राधे राधे। मेरे अंगना में आओ नंदला, आज 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 मेरे अंगना में आओ नंदला। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। बैठ जाइए। हमें पता है आप बहुत उत्साहित हैं, लेकिन अभी भगवान का जन्म होगा थोड़ी देर बाद। तो इस प्रकार अपने कहे हुए वचन को सत्य करने के लिए इस पृथ्वी पर कटते हुए गायों की रक्षा करने के लिए, प्रवचन करने नहीं बोला था, नृत्य करने बोला था, प्रवचन करने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग तो खैर बहुत अच्छे लोग हैं, अन्य कथाओं में जाता हूँ तो बहुत परेशान होता हूँ मैं क्योंकि मुझे आदत नहीं है इतने आवाज में। का हो रही बा माता जी, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। अगर गप करे के बाद तो हम खाली बस थोड़ा हम भी सोच रहे थे कि भोजपुरी सीख लें, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि तो गप करी ना यही बोलेंगे ना। अच्छा गप नहीं के करेंगे बा
राउर बाद में आई गप करे वास्ते हरे हरे हरे। तो इस प्रकार अपने कहे हुए वचन को सत्य करने के लिए, इस पृथ्वी पर कटते हुए गायों की रक्षा करने के लिए, ऋषि मुनियों के यज्ञ को पुनः प्रज्वलित करने के लिए, गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने उनकी मात्र वाणी सुनाई दी और उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही जल्द इस पृथ्वी पर प्रकट होने वाला हूं, बहुत ही जल्द। उस समय ब्रह्मा जी कन्फर्म करने के लिए पूछे कि प्रभु आप बताइए कि इस पृथ्वी पर आप किनके घर पे जन्म लेने वाले हैं, किनके घर पे आने वाले हैं, नहीं तो आज तो इस पृथ्वी पर हर दूसरा घर छोड़ करके तीसरे घर में एक भगवान बना हुआ बैठा है कि नहीं, बना है ना, फलाने बाबा भगवान, फलाना बापू भगवान, फलाना माई भगवान, फलाना चाचा भगवान, फलाना काका भगवान, पता नहीं कहाँ कहाँ से भगवान आ जा रहा है। मतलब वो क्या कहते हैं, जैसे गुलेट नहीं होता है, बहुत सारा गुल्ली खेला है आप लोगों ने, वैसे ही भगवान भरे पड़े आजकल भारत में। प्रपा जी से यही पूछा गया था ना, एक रिपोर्टर ने पूछा कि प्रपा आप भारत से, वही भारत से ना जहाँ पे रोज एक नए भगवान क्रिएट होते हैं, आप भी भगवान हो? बोले नहीं, मैं उस भगवान का नौकर हूँ, सर्वेंट। समझ रहे, मैं कौन हूँ? नौकर हूँ उनका। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना चाहिए, हम भगवान के कौन है? दास है। और ऐसे जो बने फिरते हैं भगवान, उनको जैसे गुल्ली खेलते हुए ऐसे मारते तड़ात निकाल देना चाहिए। समझ रहे हैं? तो ब्रह्मा जी को बताया कि मैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर, वसुदेव गृह साक्षात मैं वसुदेव के घर पर देवकी के, उनकी पत्नी उनकी गृहिणी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। आप एक काम करो, समस्त देवी देवताओं को जो हमारी सहायता करना चाहते वो जाएं और ब्रज में जाकर के गोप के रूप में जन्म लें। सभी देवी देवता ने बोल दीजिए, अच्छा बोल रहे हैं आप लोग, माइक दे दीजिए, यानी माइक दे दीजिए धर्मेंद्र जी, माइक दीजिए ना, माइक दे दीजिए, हम लोग भी सुनेंगे। नहीं हरि बोल, हरि बोल, बोल के जाइए, अरे बोल के जाओ, ब्लैक शर्ट क्या बोल रहे थे, अपराध है। अभी सुना ना कि कथा में विघ्न डालने वाले को क्या कहा जाता है, बताओ आप लोग ही बताओ क्या कहा जाता है, थोड़ी देर पहले बताया था, बताओ। और कथा के साइड देखो, पांव करके बैठे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, जवान है ना, आप लोग नीचे बैठ सकते हैं ना, उनको पकड़ करके नीचे बिठाइए, धर्मेंद्र प्रभु तीनों को आगे आगे, हरि बोल, हरि बोल, तीनों आगे आ जाओ, कम कम आगे बिठाओ, यहाँ पर हरि बोल, बैग वाले किधर भी, प्रभु जी यहाँ बिठाई तीनों को, अब बिठा करके सातों दिन कथा सुनाइए, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया जाएगा। इधर इधर प्रभु जी, इधर आइए एकदम सामने, आप लोग तीनों को बैठो, आप भी बैग लेकर के आइए इधर, हरि बोल, कम कम दिस साइड, अरे आगे आइए, पकड़ के इन लोगों को आगे करिए, ध्यान रखिएगा तीनों का, आए और सबसे पहले आगे लाके बिठाइए इनको, और उठना तब तक नहीं है जब तक मैं यहाँ से ना उठूं। हैं कॉलेज बा, ओके। तो बहुत सुंदर भगवान बोल करके चले गए, ये भी अपने अपने स्थान पर गए। आइए अब हम मथुरा चलते हैं, जहाँ पर वसुदेव और देवकी का विवाह हो रहा है, भगवान का जहाँ पर प्राकट्य होने वाला है। उस समय मथुरा में सूरसेन के पुत्र थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, वसुदेव। और वसुदेव का विवाह राजा देवक की सबसे छोटी कन्या देवकी के साथ हुआ। देवकी का विवाह किनके साथ? वसुदेव जी के साथ। बहुत सुंदर बारात आई, एक महीने तक बारात रुकी, बहुत सुंदर खाना पीना हुआ, मेहमान नवाजी हुई, स्वागत हुआ, कीर्तन हुआ, भोजन हुआ, और 15 दिन रुकी थी, 15 दिन के बाद आज बेटी को विदा कर रहे हैं।
मंगल गान गाए गए, ढोल नगाड़े पखावत सहनाई सब कुछ बजाए गए, अनेकों रथ विराजमान थे और इन सभी रथ के बीच में वसुदेव जी का जो रथ था उस पे वसुदेव जी आरूढ़ थे। देवकी को रथ पर आरूढ़ किया गया और उनकी विदाई देते समय देवकी का एक भाई था जिसका नाम क्या था, कंस, कजिन था वो, है ना। तो उनका बड़ा प्रेम था अपनी बहन के ऊपर, तो उसके मन में हुआ कि आज मेरी बहन की विदाई है, तो बोला आज इसका रथ मैं चलाऊंगा। असुरों का प्रेम देखिए, बहुत प्रेम उमड़ा, इतना हृदय में प्रेम उमड़ा, बोला कि आज इसका रथ मैं चलाऊंगा, साक्षात कंस चलाएगा। बैठ गया कंस चलाने के लिए, खुद सारथी बन गया। और जैसे ही रथ चलाने को तैयार हुआ देवलोक में तो खलबली मच गई। क्यों? क्योंकि बोले कि ये कंस अगर देवकी वसुदेव की रथ को एक इंच भी बढ़ा दिया तो भगवान इसको कभी मारेंगे नहीं। क्यों नहीं मारेंगे? क्योंकि भले अपनी सेवा करने वाले को तो मार सकते हैं लेकिन भक्तों की सेवा करने वाले को कभी नहीं मार सकते। तो सहसा देवकी और वसुदेव को जैसे ही रथ को कंस चलाने जाने वाला था तो सहसा देवताओं ने क्या किया, आकाशवाणी कर दी। क्या आकाशवाणी की? अरे मूर्ख, ये कंस तो देखने लगा है, क्या हो रहा है? क्योंकि कंस को मूर्ख कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बोले तेरे को ही बोल रहा हूँ, मूर्ख। कंस तो चारों ओर देखने लगा, बोले सुनो पहले, ये देवकी का आठवीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब देवताओं ने ये क्लियर नहीं किया कि आठवीं पुत्र अथवा कन्या, क्या बताया, क्या बताया बताओ, संतान, क्या बताया? आप सुन रहे हैं, गुड। तो फोन साइलेंट होना चाहिए क्लास में। अब देखिए असुरों का प्रेम, सुखदेव जी कहते हैं असुरों के प्रेम पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए। जैसे ही आकाशवाणी हुई तुरंत उसने क्या किया, देवकी के बाल को पकड़ लिया और एक हाथ से तलवार निकाले, बोले इसको तो मार ही दूंगा। ये है असुरों का प्रेम। थोड़ी देर पहले रथ चला रहा था, अभी अपनी बहन को मारने जा रहा है। तो उस समय तुरंत वसुदेव जी ने कंस को पकड़ लिया। महाराज क्या कर रहे हो आप, अपनी बहन को मारोगे? वसुदेव जी ने कंस को बहुत सुंदर उपदेश दिया। इस संसार में दो प्रवचन रथ पर हुए, एक वसुदेव जी ने कंस को दिया और दूसरा ठीक अपने पिता की परंपरा को फॉलो करते हुए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, है ना। और दोनों दिव्य उपदेश, दोनों दिव्य उपदेश बहुत सुंदर, है ना। वसुदेव जी नीतिकार थे, वो जानते थे कि किसी भी व्यक्ति को चार नीति से समझाया जा सकता है, साम दाम दंड और अब दंड तो कंस को दिया नहीं जा सकता, दंड तो दिया नहीं जा सकता, दाम दिया नहीं जा सकता, तो क्या करें, भेद और साम का प्रयोग किया। बताया कि महाराज आपको भय किस बात का है कि इसकी आठवीं संतान उनकी मृत्यु का कारण बनेगा? बोले आपका वैरी तो इसका आठवां संतान है ना, देवकी ने आपका क्या बिगाड़ा है? आप देवकी को छोड़ दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं कि इसके गर्भ से जितने भी संतान होंगे सब मैं आपको सौंप दूंगा और फिर तुम्हें जो करना है कर दो। कंस को वसुदेव जी की बातों पर विश्वास था, वो जानते थे कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते। जब ये जन्म हुआ था ना उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी की थी, बहुत दिव्य हैं और कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, है ना। तो बोले वसुदेव जी इसे लेकर के मतलब ठीक है आप लोग जाइए, छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद, एक साल के बाद प्रथम पुत्र की प्राप्ति हुई। वसुदेव जी उस एक दिन के बालक को लेकर के कंस के पास आए। उस एक दिन के बालक को देख करके कंस के क्रूर हृदय में दया आ गया। बोले वसुदेव जी इसे लेकर के जाओ, ये क्या बिगाड़ेगा मेरा, वैसे भी भविष्यवाणी हुई थी कि आठवीं संतान, ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसे। तो फिर देवलोक में खलबली मच गई। बोले पहला बालक को छोड़ दिया, दूसरा, तीसरा, ना जाने कब आठवां होगा। नारद जी को भेजा, नारद जी आए कंस के पास, नारायण नारायण। बोले तुम कंस बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हारे जैसा मूर्ख आज तक मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा। नारद जी कैसे पात्र हैं भक्तों, जिनका आदर देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं, उनको किसी से भय नहीं, भक्त को कभी भी किसी से भय नहीं होता है।
देखिए इन तीनों को बिठा दिया मैं। इन तीनों के सामने मैं क्या हूँ? चूहे के समान। मन में सोच रहे होंगे बाहर मिलिए बताता हूँ। लेकिन भय नहीं, खैर अच्छे बच्चे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं। वेरी नाइस, गुड। तो कंस ने कहा, महाराज आप मुझे मूर्ख कह रहे हो? जीवन में पहली बार कुछ अच्छा कार्य किया। बोला, अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि तुम मूर्ख है। क्यों मूर्ख? बोले, तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आकाशवाणी हुई थी ना कि उसकी आठवीं संतान मृत्यु का कारण बनेगा। नारद जी कहते हैं, इसलिए कहता हूँ तुम मूर्ख है बहुत बड़ा। अरे वो विष्णु है, विष्णु तेरा बाप, खंबा फाड़ करके आकर के हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो तुझे मारने के लिए आठवें का वेट करेगा? नारद जी बोले, बताओ इसमें से आठवां कौन है? इधर से गिने तो ये आठवां, इधर से गिने तो ये आठवां। आठ अष्ट दल कमल लेकर गए, बताओ इसमें आठवीं पंखुड़ी क्या? आठवीं पंखुड़ी कौन? अब इसमें गिने तो पहली भी आठवीं, दूसरी भी आठवीं, तीसरी भी आठवीं, सब आठवीं। कान समझ गए। सैनिकों को भेजा, बोले जाओ देवकी और वसुदेव को लेकर के आओ और उसके संतान को मार दूंगा। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, बस इसी के लिए तुम्हें आया था। नारद जी काम करके निकल गए। देवकी वसुदेव जो कारक, देवकी और वसुदेव को कंस अपने महल में बुलाया और कारागार में बंद किया। और उनके सामने ही देखते ही देखते कंस ने क्या किया? उनके प्रथम पुत्र को शिला पर पटक करके मार दिया। दूसरे पुत्र का जन्म हुआ, दूसरे को भी शिला पर पटक कर मार दिया। इस कंस ने देवकी के छह छह पुत्रों को देवकी और वसुदेव के सामने पटक पटक के मार दिया। देवकी के हृदय में बहुत दुख बढ़ गया और ये दुख भगवान शंकरसन से नहीं देखा गया। और शंकरसन बने साक्षात बलदेव जी, साक्षात बलदेव जी देवकी के हृदय गर्भ में प्रकट हो गए। जैसे ही बलदेव जी आए, भगवान विष्णु ने योग माया को बुलाया और कहा, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीर अलंकृतम। देवी तुम जाओ मथुरा में और देवकी के गर्भ में बालक जो आया है ना, उस बालक को रोहिणी के गर्भ में क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो। और हे देवी तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में मेरे से भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। और भगवान ने बताया कि किस स्थान पर किस नाम से जानी जाओगी। यहाँ पे जो स्थान है क्या कहते हैं इनको? विंध्याचल, वर्णन है विंध्याचल के नाम से प्रसिद्ध होगी। बहुत बताया, वर्णन है पूरा भागवत, आप पढ़ेंगे तो काली चंडिका दुर्गा अनेकों। तो इस प्रकार से देवी को भगवान का आदेश हुआ और वहां पर योग माया एक बहुत सुंदर बात कहती है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी हमारे मन में इच्छा होती है, हमें कुछ सेवा दी जाता है, दिया जाता है हमारे सेंटर के अथॉरिटी मैनेजर के द्वारा, टेम्पल के मैनेजर अथॉरिटी के द्वारा अथवा हमारे सीनियर के द्वारा, और हमें पता नहीं होता है कि वह सेवा कैसे करनी है। तो देखिए योग माया क्या कह रही है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कैसे करूंगी, आई डोंट नो, नहीं पता है मुझे, लेकिन क्योंकि कृष्ण का क्या है आदेश है, तो मैं करने जा रही हूँ और वह कार्य स्वतः हो जाए। इसीलिए अगर सेवा मिले तो उसमें नहीं कहना चाहिए कि मुझे नहीं पता है, प्रयास करना चाहिए और वह सेवा हो जाता है। हमने देखा है हमारे जीवन में, आप जानते हैं आयंद्र प्रभु को वृंदावन में थे, उन्हें अपने सीडी जो उन्होंने बनाया था वृंदावन मेलो उसके लिए फोटो डिजाइन करना था, और जानते हैं उन्होंने एक रात में पूरा एडोब फोटोशॉप सीख लिया था। और उस एडोब फोटोशॉप सीखने के लिए एक एक साल का कोर्स होता है। एक रात में पूरा एडोब फोटोशॉप सीख लिया, सवेरे तक तो डिजाइन तैयार कर लिया। तो भगवान की सेवा अगर करने की इच्छा है तो कौन मदद करते हैं? भगवान मदद करते हैं। तो भगवान का आदेश हुआ, योग माया गई। इसलिए कभी भी सेवा मिले ना, ना नहीं करना चाहिए, कुछ भी सेवा मिले मैं करूंगा, जैसे भी होगा मैं करूंगा, पूछूंगा आजू बाजू वाले से पूछूंगा, कैसे नहीं होगा। मेरे प्रभु जी जब वृंदावन टेम्पल ज्वाइन किए तो आप जो कृष्णा हॉल जाते हैं ना प्रसाद लेने के लिए जाते हैं, उसमें देखते हैं कहीं एक भी खंभा है नहीं है ना, तो प्रभु जी आईआईटी करके ही आए थे और उनको बोला गया कि इसमें ऐसा हॉल बनाना है जिसमें एक भी खंभा ना हो। अब तो नया नया
क्या करें क्या करें, बहुत परेशान हुए। लेकिन वो कहते हैं बस मैं इच्छा कर रहा था, मैं सोच रहा था और सडनली मैं किसी स्थान पर चला गया जहां पर ऐसा ही एक हॉल बना हुआ था। उनसे बात किया और आकर के एक कृष्णा हॉल बनवा दिया। देख रहे हैं ना, है ना बना हुआ, कितना सुंदर है। तो अगर सेवा करने का इच्छा हो तो जरूर मिलता है। बोल फिर बाद में एक बार क्या हुआ मेरे साथ घटना, एक बार मुझे पेंटिंग की जिम्मेवारी सोच सौंपी गई कि भाई पेंटिंग करवा मंदिर में। अब मैं तो इंजीनियर, मुझे डिजाइनिंग का क्या पता है। लेकिन फिर एक माता जी कोई डिजाइनर थी वो मिल गई और उन्होंने बता दिया यहाँ पे ये येलो डलवा दो, यहाँ पर पिंक डलवा दो, यहाँ ऐसे कर दो, यहाँ ऐसे कर दो। अब मैंने वैसे ही कर दिया, देखो आज कितना सुंदर है, आज भी वैसे ही वृंदावन का टेम्पल पेंट हो रहा है ना। तो भगवान की, भगवान बहुत मदद करते हैं अगर भगवान की सेवा करने की इच्छा हो तो। देवकी का दुख बढ़ गया, देवकी रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप कब आओगे। संकर्षण आए और योग माया ने उन्हें क्या किया, देवकी के गर्भ से निकाला और किसके घर में डाल दिया, रोहिणी के घर में। किनके घर में डाला बताओ, तीनों एक साथ रोहिणी के। वेरी नाइस, कितना चीज याद हो गया है ना। ये आपको याद नहीं, बाद में पता चलेगा कि आज आपने क्या किया। मे भी हो सकता है आप कुछ साल के बाद भी जान जाएं, अथवा हो सकता है 60-70 साल बाद जाने, लेकिन जानेंगे सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अब देवकी का दुख और बढ़ गया। मथुरा वालों ने सोचा कि ये कंस पहले जन्म लेने के बाद बच्चों को मरवाता था, अब क्या कहते हैं उसको, अब तांत्रिक से बच्चों को पेट में ही मरवाने लगा। क्या कहते हैं, नामी बनिया और बदनामी चोर। उसके बाद मतलब जो नामी बनिया है उसका कुछ भी बिक जाएगा, और बदनामी चोर मतलब गांव में चोरी हुआ तो यही लिया होगा, पकड़ो उसको। तो कहते हैं प्रभु देवकी का दुख बढ़ गया, देवकी रात दिन भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आप कब आओगे कब आओगे, आंखियां हरि दर्शन को प्यासी। और धीरे 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 देवकी पूर्ण समर्पित। और जब कोई भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित होता है ना भक्तों, तो भगवान पुकार उनकी जरूर सुनते हैं, जरूर सुनते हैं। याद करिए द्रौपदी को, अर्ध नग्न अवस्था में थी और ऐसी अवस्था में भी अपने वस्त्र को ना पकड़ करके दोनों हाथ उठा दिए कि कृष्ण कृष्ण जगतपति, हे कृष्ण द्वारिका वासी कृष्ण मेरी रक्षा करिए। और कृष्ण द्वारिका से आकर के रक्षा करते हैं, कर लिए कि नहीं किए। गजेंद्र का मात्र नाक ही बचा था ना बाहर, शरीर तो डूब गया था ना। उस अवस्था में गजेंद्र ने क्या किया, एक फूल भगवान को समर्पित किया और भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए कि नहीं, कितनी अद्भुत है यह। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, गोविंद हे गोपाल जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। भगवान कृष्ण अपने धाम से उतरकर, जब भी भक्त भगवान को पुकारते हैं ना तो भगवान आते हैं, भक्त आते हैं। भगवान अपने धाम से उतर करके वसुदेव जी के मन में आए, वासुदेव जी के मन से देवकी के मन में गए, और देवकी के मन से भगवान कृष्ण देवकी के हृदय में आ गए। और जैसे ही देवकी के हृदय गर्भ में आए ना, देवकी का तेज बढ़ गया, अखिल ब्रह्मांड नायक करोड़ों करोड़ों
सूर्य से भी जो प्रकाशमान है, ऐसे भगवान जब देवकी के हृदय गर्भ में आए, देवकी का तेज बढ़ गया, उस कंस के कारागार में जो अंधकार था ना, वो अंधकार दूर हो गया। और कंस जब उस कारागार में आया, देवकी को देखने के लिए आया, तो कंस की आंखें बंद हो गई। कंस समझ गया कि निश्चित मेरा काल विष्णु आ चुका है और अब ये कभी भी प्रकट हो सकता है। कंस अब तो न ठीक से खा सकता था, न पी सकता था, न सो सकता था, न जग सकता था। कंस भोजन करने बैठता तो उसे रोटी में कृष्ण, पानी पीने जाए तो पानी में कृष्ण, सोने जाए तो बिछावन में कृष्ण, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण। भक्तों, जन्माष्टमी में हर कोई निर्जला नहीं करता, लेकिन ये कंस उस दिन निर्जला कर दिया। और दूसरी ओर देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु आए, ये बात पता चलते ही समस्त देवी देवताओं को लेकर कंस के कारागार में ब्रह्मा जी आए और भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा। समस्त देवी देवता, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधरी सब लोग कंस के कारागार में आए और समस्त देवी देवता ने आकर भगवान कृष्ण की अद्भुत स्तुति की। क्या स्तुति की? सत्यवरम सत परम सत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य शतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तुम शरणम प्रपद्ये। भगवान गर्भ में है और सभी देवी देवता गर्भास्थ स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु हे कृष्ण, आपका व्रत सत्य, आपकी वाणी सत्य है, आप तीनों लोकों में सत्य, आपका देह सत्य है, प्रभु आपका सब कुछ सत्य है, इसलिए आप परम सत्य। ऐसे अनेकों श्लोकों में, अनेकों पदों में समस्त देवी देवता गण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, जय कृष्ण अनादि अनंत प्रभु परमानंद रूप अनूप प्रभु, अवलोकिश शोकित प्रणत जनम करिवेश विशेष कलेश हणम। स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करही नाग मुनि देवा, जय सत्यमयम जय ज्ञानमयम तप योग विराग सुध्यानमयम कर्माट सुकृत शुणेमयम नित नौम शुबाहु प्रेममयम। स्तुति करही नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय काश आकाश विकाश ही है परमेव परम अवकाश ही है निशेष विशेष विशेष ही है नित नौमी परम सविशेष ही है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, परिभाषक सर्वश शासक है चतु नियम परम प्रकाशक है शब शाम विराम ललाम ही है नित नौमी परम अभिराम ही है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय कृष्ण अनादि अनंत प्रभु परमानंद रूप अनूप प्रभु अवलोकिश शोकित प्रणत जनम करिवेश विशेष कलेश हणम। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, जय काल हु काल सुकाल परम सुर अंग समूह हि भाल वरम लावण्य ललित महो महुनि नित नौमि प्रमूल हि परमणिधि। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, ज्योतित्य अकत अगम्य जनम परिपूर्ण परात परम भजम परिबोध शरात। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, स्तुति करहि नाग मुनि देवा, ज्योतित्य अकथ्य अगम्य जनम परिपूर्ण परात परम भजम परि। स्तुति करहि नाग मुनि देवा,
स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा गोतित्य अकथ्य अगम्य जनम परिपूर्ण परात परम भजम परिबोध अथार स्वारथ कृतनौमि परम परमारथ है स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा जस अधिगोलौक सुदाम पतिं सद मन रन रंजन परम गति रस रूप श्वास राधा रमणम नितनौमि त्रितापहि भव शमणम स्तुति करहि नाग मुनि देवा करहि नाग मुनि देवा हरि रूप अनेक ही पूर्व जथा अभिरक्षित लोक ही हरि व्यथा उणि हम दुख जाल करार प्रवि अरु रक्ष पनद्य पाहि हरे स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा जय कृष्ण अनादि अनंत विभु परमानंद रूप अनूप प्रभु अवलोकिश शोक प्रणत जनम करिवेश विशेष कलेश हणम स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा चाहत मुनि संता कमला कंता बलवल संता बलवंता छत्री ब्रज धारण धर्म सुजार बंसी धारण जंतारण देवकी के कारण नाथ विभार असुर विरारण बदवारण भव सिंधु तारण जन्न विचार चारु तारण भगवंता चारु तारण भगवंता चारु तारण भगवंता स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा स्तुति करहि नाग मुनि देवा परित्राणाय साधुणा विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय शंभवानि जिस समय भगवान ने साधुओं की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए स्तुति करहि नाग धर्म की स्थापना करने के लिए इस पृथ्वी पर आने के लिए निश्चय किया जैसे ही भगवान देवकी के हृदय गर्भ से निश्चय किया उसी समय संसार का काल समस्त गुणों के साथ विभूषित हो गया आकाश में ग्रह नक्षत्र सब शांत हो गए सारे जगमगाने लगे पृथ्वी के बड़े बड़े नगर गांव सब बस्तियां हीरों की खानों से मंगलमय हो गई नदियों के जल निर्मल हो गए कंस जैसे असुरों के अत्याचारों से नदियों का जल सूख गया था आज भगवान कृष्ण पर प्रकट होने वाले हैं पता चलते ही नदियों में बहाड़ आने नहीं हो रहा आपको कंटिन्यू रखना पंछीगण गंधर्व करने लगे आज कंस आदि दुष्टों के अत्याचार से वृक्षों ने फल और फूल देना बंद कर दिया था परंतु भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं ये पता चलते ही वृक्षों के ऊपर बहुत सुंदर फल और फूल आए संतों के हृदय में आनंद होने लगा असुरों के मन में क्षोभ होने लगा ब्राह्मणों के अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगे स्वर्ग में दुमदुमिया बजने शिंगणी के गर्भ से शेर प्रकट होते हैं शिंग जन्म लेता है वैसे ही देवकी के हृदय गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए कृष्ण चंद्र भगवान की जय कृष्ण चंद्र भगवान की जय इस प्रकार भगवान का दिव्य जन्म हुआ अब भक्त लोग बहुत सुंदर प्रेम से भाव से कीर्तन किए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया तो आप महसूस कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तब इस प्रकार भगवान का दिव्य जन्म हुआ और सब लोग बड़े भाव से प्रेम से अब देखिए भगवान श्री कृष्ण धर्मेंद्र जी आवाज नहीं तो
भगवान श्री कृष्ण कंस के गारागार में प्रकट हुए हैं। आज हम लोग थोड़ा, आप लोग जनरली जन्म के बाद तुरंत उत्सव मनाते होंगे, यही होता है। चलिए थोड़ा सा आज रुकते हैं, ठीक है? आज जन्म के स्थान पर थोड़ा रुकते हैं। आप लोग शायद ये कथा को पहले नहीं सुने होंगे, इस प्रकार से थोड़ा रुक जाते हैं वहाँ पर और थोड़ा वसुदेव जी की आंखों से दर्शन करने का प्रयास करते हैं, जो वसुदेव जी ने देखा। ठीक है, आइए प्रवेश करते हैं। जब द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले उनका दर्शन किसने किया था? वसुदेव जी ने। और जब त्रेता युग में प्रकट हुए तो कौशल्या, तो वसुदेव जी ने भगवान को देखा। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रूप कैसा था? तो सुखदेव जी गोस्वामी वसुदेव जी की आंखों से देखकर महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, है ना? बहुत सुंदर सुना रहे हैं कि कैसा भगवान का रूप है। आइए हम भी सुखदेव जी गोस्वामी के मुख से और वसुदेव जी की आंखों से भगवान के उस रूप का दर्शन करने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा शांत हो जाइए। देखिए बच्चे लोग क्यों, पहले तो यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं होती थी, क्यों इस बार ऐसे लोग कर रहे हैं? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की अद्भुत मूर्ति थी। कैसी मूर्ति थी? तो कहते हैं तम अद्भुतम बालकम अम्बुजैक्षणम चतुर्भुजम शंख गदादिदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मणगलशोभिकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्रपायोदशोभगम। तम अद्भुत बालकम, कंस के गारव गार में भगवान का जन्म हुआ। कहते वह कैसा है? तो कहते अद्भुतम बालकम। भगवान बालक के रूप में थे, अब ऐसा नहीं कि भगवान बहुत बड़े विशाल रूप में प्रकट नहीं हुए हैं, नहीं, बालक का रूप है, एक छोटे से बालक के रूप में, छोटा छोटा सा भगवान है, कृष्ण का रूप प्रकट हुआ है। लेकिन सुखदेव जी गोस्वामी सावधान कह रहे, देखिए सावधान, क्या कह रहे? सावधान हो जाइए, क्योंकि बालक के रूप में भगवान हैं, लेकिन संसार के साधारण बालक जैसा नहीं। कैसा? तो अद्भुत बालकम, अद्भुतम बालकम। कैसा बालक है ये? अद्भुतम बालकम। बालक शब्द का अर्थ करते हुए टीकाकार हरिश्री जी लिखते हैं, बालक में दो शब्द है, अगर तोड़िए तो बा और बाल और क। अब बालक शब्द का अर्थ क्या होता है? जैसे कृष्ण का एक नाम है केशव, केशव का अर्थ क्या होता है? क मने ब्रह्मा और इस मने शिव और व मने वश में करने वाला। तो जो ब्रह्मा और शिव को भी वश में रखे उसे क्या कहते हैं? केशव। तो तम अद्भुतम बालकम, तो ये बालक उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, और इस बालक की अद्भुतता क्या है? थोड़ा गौर कीजिएगा। ये कथा ऐसी नहीं है कि हम बस सुन लिए और पार हो गए, ना, ये भक्तों के बीच में कही जाने वाली कथा है, समझना चाहिए इसको। शब्द का सहारा लेकर आचार्य कन कहते हैं का अर्थ है ब्रह्मा और बाल का अर्थ है ये रोम, होते ना हमारे शरीर पर बालक। तो ये साधारण बालक नहीं, ये ऐसा बालक है जिसका बाले बाले को मने ब्रह्मा प्रकट है, समझ रहे? ये कौन है जिसके प्रत्येक बाल से कौन प्रकट हो रहा है? ब्रह्मा प्रकट हो रहा है। और इतना ही नहीं, छोटा सा विग्रह है लेकिन अद्भुत है। अद्भुतता क्या है? कहते चतुर्भुज में है यह बालक, छोटी छोटी चार भुजाएं, उस बालक के हाथ में बहुत सुंदर शंख, छोटा सा चक्र, छोटा सा गदा, छोटा सा पद्म, छोटा सा रूप। आप थोड़ा विचार कर सकते हैं, सुदर्शन वो छोटी सी सीढ़ी होती है ना, वैसे भगवान के हाथ में है सुदर्शन है, तो इसलिए छोटा सा शंख है, छोटा सा क्योंकि रूप ही है, इसलिए सब कुछ छोटा छोटा, इतना 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 करके भगवान के हाथ में। और श्री वत्स लक्ष्मण, ये भी ध्यान दीजिए, अभी तो आयुध का वर्णन कर रहे हैं, अब देखिए श्री वत्स लक्ष्मण, उस बालक के हृदय में क्या है? देवी लक्ष्मी जी का चिन्ह है। गलशोभिकौस्तुभम, उस बालक के गले में बहुत सुंदर
कौस्तुभ मणि है, थोड़ा साउंड और कम है, कौस्तुभ मणि है। और बालक का रंग, उन्होंने गल सोभ कौस्तुभम और पीताम्बरम, वह बालक पीताम्बर पहना हुआ है, छोटा सा पीताम्बर। भगवान छोटे से धोती कैसे पहने होंगे, आप लोग तो भगवान को पहनाते हैं, हम तो कभी पहनाते नहीं, तो आप लोग विचार कर सकते हैं, है ना। अब उस बालक का रंग कैसा है, सांद्र पय शोभगम, जल भर मेघ के समान, जैसे बादल में पानी अगर भर जाता है तो बादल कैसे होता है, बादल को आप देख करके पहचान लेते हैं ना। अब तो हम जैसे लड़के तो नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं वो बालक को देख, बादल को देख करके बता देते हैं कि आज बारिश होगी, आज नहीं होगी, बता देते हैं ना। तो जल भर मेघ के समान घनश्याम वर्ण का ये बालक, सुखदेव गोस्वामी वसुदेव जी की आंखों से उस बालक को आगे की सुंदरता कहते हैं, कितने क्या महा आरह वैदुर्य किरीट कुंडलम, बहुत सुंदर किरीट, किरीट माने क्या होता है, मुकुट, क्या होता है, वो बालक बहुत सुंदर मुकुट पहना हुआ था, और उस मुकुट में बहुत सुंदर क्या लगे हुए थे, हीरे मोती मणि जड़े हुए थे, और कुंडल उस बालक के कान में क्या थी, मकराकृत कुंडल, मछली के आकार के कुंडल, है ना। त्विसा परिस्वक्ता सहस्त्र कुंतलम, और उस बालक के सर पर बहुत सुंदर सुंदर सहस्त्र सुंदर घुंघराले घुंघराले और बहुत चिकने सॉफ्ट बाल थे, है ना, हमारे बालों की तरह नहीं खर 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 नहीं, वो तो बहुत सारा क्या क्या लगाते रहते, कंडीशनर और ना जाने क्या क्या, तब थोड़ा बहुत नमी आती है, नहीं तो फिर बाल लगता है कि सौक लगा, है ना। तो ऐसे भगवान के बाल नहीं, बहुत सुंदर हैं। उद्धाम कांची अंगद कंकण आदि भी उस बालक के कमर पर बहुत सुंदर करधनी थी, जिसमें छोटी 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 क्या बंधी हुई थी, घुंघरू बंधी हुई थी, अद्भुत छवि। विरोच मानम वसुदेव इच्छतः, ये बालक प्रकाशित हो रहा था और उस बालक को वसुदेव इच्छतः वसुदेव जी ने देखा। आज भी कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं तो पूछना चाहिए, घुंघरू बांध के आए थे, कोपिन पहन के आए थे, भगवान तो पीताम्बर पहन के आते हैं, पूछना चाहिए। अद्भुत रूप था बालक का, चतुर्भुज पीताम्बर अद्भुत, और ये देख करके तुरंत वसुदेव जी की इच्छा हुई कि भगवान को क्या किया जाए, स्तुति किया जाए। अब तक देवी देव की जो है सो मूर्छित पड़ी हुई थी, तो देवकी को मूर्छित अवस्था से बाहर आई और देवकी और भगवान की स्तुति करने लगे, परंतु दोनों माता पिता के हृदय में वात्सल्य भाव के भाव उदित हुआ और दोनों भयभीत होने लगे, क्योंकि कंस ने इनके सात सात पुत्रों को मार दिया था। उस समय भगवान ने अपने माता पिता को पुनर्जन्म की कथा सुनाई कि माता जी पिताजी आप डरिए मत, पूर्व जन्म में आप कश्यप और अदिति थे, आपने बहुत तपस्या किया था और मैंने कहा था कि आप वर मांगो, तब आपने मेरे जैसा पुत्र मांगा था, मैंने कहा तथास्तु, लेकिन जब मैं धाम पे जाकर के सोचा तो मुझे पता चला, अरे मेरे जैसा तो इस संसार में कोई है नहीं, एको एव अद्वितीय, वेद तो यही कहता है, उपनिषद तो यही कहता है, तो क्या करता मैं खुद ही आ गया आपके पुत्र बन करके। और उसके पूर्व जन्म में आप क्या थी, मनु सद्रूपा थी, 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, पुत्र के रूप में मांगा, इसलिए आज मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हूं। इतना सुनकर भी वात्सल्य भाव से सरापुर देवकी और वसुदेव कंस के भय से भयभीत हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उस बालक ने कहा, हे माते हे पिता, यदि वास्तव में कंस से भय हो रहा है तो एक काम करो, आप मुझे कहां छोड़ दो, गोकुल। कहां छोड़ दो, गोकुल में छोड़ा। वसुदेव जी ने कहा, गोकुल में कहां छोड़ा, बोले नंद बाबा के घर में। बोले नंद बाबा के घर पे क्यों, बोले पिताजी वहां पर नंद बाबा के यहाँ पे 9,00,000 गाय है ना, दूध दही माखन की कोई कमी नहीं है, बहुत माखन खाऊंगा, बहुत दूध पीऊंगा, बलवान बनूंगा और बड़ा होकर के यहाँ आऊंगा और कंस को मार करके आपको कारागार से मुक्त करा दूंगा। बोले ठीक है, ये ठीक है। वसुदेव जी को कृष्ण की बात बहुत अच्छी लगी, उस समय कृष्ण को हाथ में लिया और वहां पर एक बहुत सुंदर एकदम कोमल फैन के तरह एक वस्त्र पड़ा हुआ था। महाराज कहते हैं वसुदेव जी पहले से ये सब चीज मंगा करके रखते थे, तो उस पे
उस वस्त्र पे कृष्ण को उठाया। वसुदेव जी कृष्ण को उठा करके जैसे ही हाथ में लिखा, शास्त्र में वर्णन है, भागवत में वर्णन है कि उस समय कारागार में जितने दरवाजे थे ना, सब क्या हो गए? बंद हो गए। क्या हुए? खुल गए। वसुदेव जी चलने लगे, परंतु देवकी का मन, माता का मन, मन मान नहीं रहा है। इतना सुंदर बालक, परम परम ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, आप थोड़ा विचार करियो, साक्षात कृष्ण जिनका पुत्र बनकर आया हो। हमारा पुत्र होता है जिसमें कुछ भी गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, फिर भी कितना प्रेम होता है ना, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा है, काजल लगा दो इसको, और ना जाने क्या क्या लगाते रहते हैं। तो कृष्ण के प्रति उनके माता पिता का क्या प्रेम होगा, आप समझ सकते हैं। तो बार बार देवकी कृष्ण को अपने हाथ में ले लेती थी, स्तन का दूध पिलाती थी, हृदय पे पत्थर रखकर देवकी ने अपने पुत्र को सौंप दिया और वसुदेव जी हाथ में कृष्ण को लेकर के चलने लगे। और जैसे ही वसुदेव जी चलने लगे, तुरंत कंस के कारागार के दरवाजे खुल गए। हरिश्री जी लिखते हैं कि कंस के कारागार के दरवाजे खुल गए, ये बहुत बड़ी बात लगती है आप लोगों को? बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? है कि नहीं है? क्या लगता है? ये बहुत छोटी सी बात है, क्या मतलब इस बात की कोई वैल्यू नहीं है। अब थोड़ा विचार करिए, बोलिए हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। आपने इतना बोला और आपके लिए मुक्ति के दरवाजे खुल गए। समझ रहे हैं, जिस कृष्ण का एक बार कोई अपने पर जिह्वा पर नाम ले लेता है तो उसके मुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं। तो जिसके हाथ में साक्षात भगवान हो, उसके जेल के दरवाजे खुल जाए, कौन बड़ी बात है जी? कोई बड़ी बात है? बहुत छोटी सी बात है। सारी बेड़ियां खुल गए, दरवाजे खुल गए, ताले खुल गए, जितने सैनिक थे सब लोग सो गए और कारागार से बाहर निकले। और जैसे ही कारागार से बाहर निकले कि बादल गरजने लगे, भागवत में वर्णन है मेघ गरजने लगा। आचार्य ने बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की है, टीकाएं लिखी है कि बोले कृष्ण को लेकर वसुदेव जैसे ही बाहर निकले तो बादल क्यों गरजने लगा, बहुत सुंदर। अब सुनिएगा, बहुत रसमय कथा है, बहुत सुंदर कथा है। बादल ने प्रथम दर्शन भगवान का किया, प्रथम दर्शन भगवान वासुदेव जी के हाथ में किया और देखा कि भगवान के शरीर का रंग हमारे जैसा है। बादल ने सोचा अब आने वाले बड़े बड़े साधु संत महात्मा कवि भगवान की उपमा हमारे संग करेंगे, भगवान के साथ हमारा नाम जुड़ गया है, इस कारण सब बादल पागल हो गए और आकाश में नाचने लगे। अब जब बहुत ज्यादा नाचते हैं तो टकराते भी है ना एक दूसरे से, तो सब बादल एक दूसरे से टकराने लगे, टकराने लगे तो गरजने लगे और साथ ही साथ बरसने भी लगे। बादल में जल क्यों बरसने लगा? बादलों ने सोचा कि आज भगवान का जन्म हुआ है और इस संसार में जब किसी का हैप्पी बर्थडे टू यू होता है तो कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार लेकर के जाते हैं ना, जाते ना, आप लोग भी लेकर के आए भगवान के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं बना करके, वेरी नाइस है ना। तो आज तो साक्षात भगवान का जन्म हुआ है, कुछ गिफ्ट कुछ उपहार भगवान को देना चाहिए। अब बादलों के पास क्या उपहार है, क्या धन है? बारिश है ना, है ना। तो कुछ नहीं, इसलिए बादल के पास जो कुछ है सर्वस्व भगवान के ऊपर निछावर करने लगे। अतः पानी बरसने लगा और पानी बरसा बरसा कर गरजने लगे और गरजते हुए माने समुद्र को कहने लगे, क्या समुद्र, तुम्हारे पास इतना धन है, इतना पानी है, परंतु क्या काम का बताओ, क्या काम का? हमारे शास्त्र में, हमारे शास्त्र में कुछ धनी लोगों के धन की तुलना समुद्र के जल से की गई है। जैसे समुद्र में अगाह मात्रा में जल होता है ना, अथाह होता है, लेकिन वह जल किस काम का? अब प्यासे रहेंगे ना, बहुत प्यासे हैं, मर रहे हैं, फिर भी एक घूंट नहीं पी सकते, पी सकते हैं? नहीं पी सकते, क्या फायदा?
वैसे ही कुछ लोगों की संपत्ति होती है। भगवान की कथा हो रही है, भक्तों का समागम है, भगवान का कार्य है, भगवान का मंदिर बन रहा है, लेकिन उसमें देने के लिए नहीं, तो फिर उस पैसे का क्या फायदा जी? ये बादल जल बरसा रहे हैं और समुद्र को कह रहे हैं कि तुम कितने दुर्भाग्यशाली हो, आज भगवान प्राकट भगवान का प्राकट हुआ है और आज तुम भगवान को कुछ नहीं दे पा रहे हो, कितना तुम्हारे पास पैसा है लेकिन क्या काम का दे रहा पैसा, बताओ बताओ। अरे तुमसे अच्छे तो हम लोग हैं, हम आपके कारीगर हैं, हम आपके सेवक हैं, क्योंकि बादलों के पास पानी कहाँ से आती है, समुद्र से ही वह खींचता है, तो हमारे पास धन आपसे ही आता है, लेकिन हमसे सीखो, हम जितना जल आपसे कमाते हैं उतना जल क्या कर रहे हैं, उतना सारा का सारा जल आज भगवान के ऊपर निछावर कर रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे? तो जितना भी जल कमाते हैं सारा जल कृष्ण को देते हैं, इसलिए हम भी जो धन कमाते हैं उसको क्या करना चाहिए। एक बहुत सुंदर आप लोग गोदरेज का एक खरीदिए, क्या कहते हैं उसको, लॉकर, और उसमें भर के रख दीजिए, नहीं क्या करना चाहिए उसे, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए जी, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्या करेंगे पैसा रख करके। अब पैसा बहुत रखे और धर्म भी किया और मर भी गए ना, और उस पैसे का उपयोग अगर आपके बच्चे गलत करने लगे तो वहां पे कष्ट होगा आपको। एक कथा आती है कि एक व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा था, पालकी पर बिठा करके लेके जा रहे थे, लेकिन बार बार वह पालकी से मूर्छित होकर के गिर रहा था। पूछा क्यों गिर रहा है, बोले बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत दान किया इसलिए स्वर्ग मिला। बोले तो फिर अब गिर क्यों रहा है, बोले क्योंकि इसने बहुत सारे धन बचा के भी रखा था और वह इसका पुत्र किस चीज में यूज कर रहा है, व्यभिचार में यूज कर रहा है, व्यभिचार ये कर रहा है, पृथ्वी पर असर हो रहा है स्वर्ग लोक में। इसलिए पैसा छोड़ के तो नहीं जाइएगा, बच्चों के लिए तो एक रुपए भी मत छोड़ना, जाने से पहले यहाँ धर्म पूरा आना, मामा जी से संपर्क करके सारे पैसे दे के जाना, बोल देना कि कथा कराओ अच्छा अब प्रसाद खिलाओ भक्तों को, है ना, है ना, बच्चों के लिए मत छोड़ो। बहुत लोग प्लानिंग करते हैं हमारे बच्चे का क्या होगा, अरे बच्चे अपना सोचो अपना, ठीक है। तो वसुदेव जी कृष्ण को लेकर जा रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, और भी एक कारण था कि बादल क्यों गरज रहे थे, बरस रहे थे, क्योंकि जब बारिश होती है ना, बहुत जोर की बारिश होती है, तो उस समय कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, आप जानते हैं ना, कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है। तो सोचे कि भाई कि भगवान की अद्भुत लीला है और इस लीला में भगवान की सहायता करनी चाहिए, यदि कोई अपने घर से निकलकर रास्ते में आ गया और उन्हें देख लिया वसुदेव जी को भगवान को लेके जाते हुए, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बादल जोर जोर से बरसने लगे, है ना। बारिश के समय आप लोग भी घर से नहीं निकलते होंगे, निकलते नहीं, वसुदेव जी जा रहे हैं और उसी समय ऐसा वर्णन है कि वहां पर शेष नाग आ गए, और भक्तों ये शेष नाग कोई नहीं, साक्षात कौन थे, बलराम जी। बलराम जी ने सोचा कि लीला की दृष्टि से तो मैं कृष्ण से क्या हूँ, छोटा भाई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तत्व से मैं कृष्ण से। बलराम जी लीला की दृष्टि से बड़े हैं और तत्व की दृष्टि से छोटा हूं, ठीक है। बलराम जी यहाँ बड़े हैं ना कृष्ण से, क्योंकि बलराम जी की उत्पत्ति कृष्ण से होती है, ताहर द्वित्य देह श्री बलराम, बलराम जी जो है कृष्ण के द्वितीय द्वय है। यहाँ बड़े भाई बनकर आए हैं लेकिन छोटे हैं। अब बड़े भाई क्यों बनकर के आए, क्योंकि त्रेता युग में जब ये आए थे ना, त्रेता युग में क्या बनकर के आए थे, लक्ष्मण जी, तो बड़ा कष्ट सहना पड़ा था किनको, भगवान राम को। तो एक दिन जब लीला समाप्त होने वाली थी उसमें गए, बोले प्रभु आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांगना चाहता हूँ। बोले बोलो ना लक्ष्मण क्या चाहिए। उसमें लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु इस त्रेता युग में तो मैं आपका छोटा भाई बन करके आया, और छोटा होने के कारण मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ा, और मेरे कारण आपको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा, तो प्रभु मैं चाहता हूँ कि अब आप जब नेक्स्ट लीला में आए तो उस समय मैं आपका क्या बनूं, बड़ा भाई।
तो आज बलराम जी के रूप में लक्ष्मण जी आए, और बात भी सत्य, आप रामायण खोल के देख लीजिए, रामायण सुनिए, जहां जहां पर रामचंद्र के ऊपर उठी उंगली उठी, केके ने राम को श्राप दिया, वनवास दिया, लक्ष्मण को पता चलते ही जैसे किसी सांप के पूंछ के ऊपर पांव आ गया, और सांप फुफकार मारकर खड़ा हो जाए, लक्ष्मण जी दौड़ते दौड़ते आए, भैया भैया किसने आपको वनवास दिया बताओ, जिस किसी ने दिया उसको आज मैं मौत के घाट उतार दूंगा, बता बता। अरे दशरथ ने दिया था, आज उससे भी मैं मार दूंगा। तो सारे संबंध भूल गए। उस समय राम जी डांट के चुप कर दे, चुप चुप। पिताजी के विषय में ऐसा बोलता है, डांट के चुप करा दिया। भगवान का आदेश था तो चुप हो गए, क्योंकि ये तो सेवक भगवान के है ना। आगे चल करके विश्वामित्र जी के साथ, जनक जी के साथ, जब जनक जी के सभा में पहुंचे, स्वयंवर में भी सभी राजा महाराजा आए थे, आपको याद होगा, हमने पिछली बार आपको राम कथा सुनाई थी, याद है ना कि भूल गए? यही तो हमारा गुण है प्रभु जी कि हम भूल जाते हैं। तो जब विश्वामित्र की सभा में गए तो वहां पर भी उस धनुष को कोई नहीं उठा पाए, और आप जानते ही हैं कि किस प्रकार से लीला था, सब राजा महाराजा मुझ पर ताव दे देकर उठाए, लेकिन कोई नहीं सके, एक साथ दस दस नहीं, एक एक हजार, दस दस हजार लागा राजा मिले, फिर भी नहीं। और कहते हैं दस हजार नहीं, पूरे पृथ्वी का सब राजा क्या कहते हैं, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न तारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न तारा, गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, गई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। उस शिव जी के पिनाक धनुष उठाने के लिए एक साथ दस हजार राजा खड़े हुए, दस हजार राजाओं ने धनुष को, बीस हजार राजा उस धनुष को पकड़े, पर वो उठाने की बात तो दूर रहे, हिला भी नहीं पाए। वो स्वामी जी लिखते हैं कैसे नहीं उठा पाए, तो कहते हैं डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। जैसे किसी कामी पुरुष का वचन, किसी कामी पुरुष के वचन का असर किसी सती स्त्री के ऊपर नहीं होता है, वैसे उन कामी राजाओं का बल का असर उस धनुष के ऊपर नहीं। उस समय जब इस प्रकार सब राजा नहीं उठा पाए, जनक जी को बड़ा दुख हुआ, और बड़े आक्रोश में आकर के कह दिया, बस मैंने यह सोचकर आप सबको यहां निमंत्रित नहीं किया था कि आप सब लोग बहुत बड़े, मैं जानता हूं कि आप सब बहुत बड़े बड़े पराक्रमी राजा हैं, लेकिन क्या पराक्रम जब एक धनुष नहीं उठा पाया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पानु पठा, देव धनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रंधीरा। क्या मैं नहीं जानता हूं देवता दानव सब इस सभा में आए हैं, लेकिन एक एक धनुष लगता है यह परशुराम जी की फरसू चलने के बाद ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, वीर विहीन मही में जा, इस संसार में कोई वीर नहीं बचा, इस संसार में सब नपुंसक रह गए। अब इतना कहना था कि लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, जिस सभा में रामचंद्र बैठे हो और उनका भाई लक्ष्मण, और वहां कहते वीर विहीन मही में जानी, यहाँ के कोई वीर ही नहीं, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, बोले बस महाराज बस, अब ये शब्द आगे ना निकले। आप ये बात भूल कैसे गए कि सभा में श्री रामचंद्र बैठे। अरे आपके इस शिव धनुष की बात क्या करूं, अरे मेरे भाई मुझे आज्ञा दे तो इस पृथ्वी को गेंद की तरह उठा लूं और इसको ऐसे पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अरे यदि मेरी भाई आज्ञा दे मुझे तो मैं सुमेरु पर्वत को मुल्ली की तरह उखाड़ लूं, यदि मुझे मेरी भाई आज्ञा दे तो इस धनुष को उठाने की बात छोड़ो, धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ करके चला जाऊं, और अगर ऐसा ना कर पाऊं तो कटोरा में लेकर के भीख मांगू।
अब कहते हैं लक्ष्मण जी जब इस प्रकार से वचन बोलने लगे तो उनके असर पूरे ब्रह्मांड में होने लगा। सारे राजा महाराजा सोचने लगे कि निश्चित प्रलय हो जाएगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी महिदी गज डोले। लक्ष्मण जी के वचन का असर पूरे वातावरण पर हो गया। ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सब कांपने लगा, तारे कांपने लगे, सब कुछ कांप रहा था। केवल दो ही चीज वैसी की वैसी थी, क्या? एक भगवान श्री रामचंद्र और दूसरा शिव जी का धनुष। उसके बाद आप जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र उठे, अपने धनुष को तोड़े, सीता से विवाह हुआ। तो मैं खैर इतना बता रहा था कि लक्ष्मण जी को ये सब सहन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे भाई थे। तो भगवान ने कहा तथास्तु, इसलिए लक्ष्मण जी इस लीला में बड़े भाई बनकर आए। इसलिए कृष्ण को जब लेकर के मथुरा से गोकुल जा रहे हैं तो बलराम जी अनंत से इसके अवतार छाता बनकर के चल रहे हैं। अब वसुदेव चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चलते चलते कहां पहुंचे हैं? यमुना के तट पर। और जैसे ही यमुना के तट पर पहुंचे तो यमुना वसुदेव जी के हाथों में कृष्ण को देख करके तो पागल हो गई। यमुना में बाढ़ आने लगी, समुद्र में लहरें उठती हैं, आज नदियों में भी लहर उठने लगा। लेकिन यमुना में भी बहुत लहर उठी, आकाश को छूने लगी। यमुना में क्यों लहर उठने लगी? तो कहते हैं यमुना ने सोचा जिस भगवान की प्राप्ति करने के लिए बड़े बड़े योगी योग करते हैं, ध्यानी ध्यान करते हैं, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद भी जिनके चरणों का ध्यान तक नहीं कर पाते, वह साक्षात भगवान आज मेरे पास आ रहे हैं, चल करके आ रहे हैं, आज तुम्हें धन्यति दे। परंतु फिर भी वसुदेव जी बड़े आशावादी थे, उस यमुना में प्रवेश किए और उससे पार करने के लिए यमुना में जैसे ही प्रवेश किए यमुना तो पागल से होने लगी। यमुना में लहर उठने लगी, लेकिन कुछ देर के बाद यमुना शांत हो गई। इतनी शांत हो गई कि बिल्कुल बीचों बीच बट गई और वसुदेव जी को बिल्कुल हाईवे बना करके दे दिया पारोसा। तो इस प्रकार से यमुना ने रास्ता दिया। यमुना ने सोचा अब यमुना क्यों शांत हो गई? यमुना ने सोचा अब आगे चल करके भगवान के साथ विवाह करना है। यमुना तो कृष्ण की प्रियसी है ना, विवाह करना है। और जब मंगनी के समय हमारे ससुर जी हमें देखने आएंगे और आज के दिन को याद करेंगे तो सोचेंगे अरे ये यमुना तो पागल है, और ये सोचकर हो सकता है अपने बेटे से मेरा विवाह नहीं कराए, इसलिए अपना सौम्य रूप प्रदर्शित कर दिया कि पिताश्री मेरा ये कि ये भी रूप है, अब इसको भी देख लीजिए। तो गोकुल पहुंचकर यमुना पार करके वसुदेव जी सीधे गोकुल पहुंचे। गोकुल में सब लोग योग निद्रा में सोए हुए थे, सीधे नंद यशोदा के पहुंच गए और यशोदा जी के यहाँ पर अपने पुत्र को रख दिया और उनकी पुत्री को ले आए। और वसुदेव जी पुनः कारागार में लौटे। कहते हैं कारागार के दरवाजे फिर अपने आप बंद गए। वसुदेव जी के हाथों में जो बेड़ियां थी वो अपने आप बंद गई। आचार्य ने बहुत सुंदर टीका की, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोले वसुदेव ने कृष्ण को हाथ में लिया तो बेड़ियां, सारे कारागार के दरवाजे खुल गए। और जैसे ही कृष्ण को छोड़कर उस कन्या को हाथ में लिया तो बंधन में बंध गए। ठीक उसी प्रकार जब तक हम कृष्ण को अपनी जिह्वा पर रखेंगे, कृष्ण का नाम लेते रहेंगे, संसार के सारे बंधन खुले रहेंगे, छोड़ेंगे बंध जाएंगे। कृष्ण को छोड़कर को माया को हाथ में लेंगे तो बंधन में बंध ही जाएंगे। इसलिए माया को छोड़कर कृष्ण को पकड़ना चाहिए। और कलयुग में कृष्ण कौन है? कृष्ण का नाम ही है। तो कन्या आ गई और जोर जोर से रोने लगे।
सभी सैनिकों को आवाज गया, सब लोग जग गए, सब लोग जाकर के कंस को बुलाया। वह कंस कहते उसमें बहुत बारिश हुई थी और मथुरा में इतना इतना कीचड़ जम गया था। उस कीचड़ में कंस दौड़ते भागते गिरते लपेटते लपेटते किसी तरह पहुंचा और पहुंच करके क्या किया, उसने उस कन्या को लिया और पटक करके मार दिया। वह कन्या हाथ से निकल गई, दिवंगता आकाश में चली गई और उस कन्या ने वहां पर उस मूर्ख कंस से कहा कि मूर्ख, तो जिसे मारने का प्रयास कर रहा है वो काल तेरा जन्म ले चुका है। इतना सुनकर तो कंस भयभीत होकर तुरंत अपने मंत्रिमंडल को बैठक बुलाई, चलिए इनको अर्जेंट मीटिंग करने देते हैं, अब हम चलते हैं गोकुल में जहां पर क्या हो रहा है, अद्भुत बालक भगवान नंद के घर पर प्रकट हुए हैं। तो नंद बाबा ने क्या किया, नंद तुवा मज उत्पन्न जाता आहिर्द महामना। हमें पता है आपको उत्सव मनाने की, लेकिन थोड़ा ये उत्सव अलग होगा वास्तविक जिस प्रकार से नंद बाबा ने मना। नंद तुवा मज उत्पन्न जाता आहिर्द महामना, आहु यिप्र वेद ज्ञान श्रात सूचि अलंकृता। नंद तुवा मज उत्पन्न जाता आहिर्द महामना, आहु यिप्र वेद ज्ञान शांत सूची अलंकृता। नंद बाबा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ और नंद बाबा प्रसन्न हो गए, क्यों, क्योंकि बहुत बहुत लंबे समय के बाद नंद के घर पर लाला का जन्म हुआ। तुरंत सबसे पहले नंद बाबा ने क्या किया, स्नान किया, तिलक लगाया और बहुत सुंदर वस्त्र पहने। नंद बाबा ने बहुत सुंदर तिलक लगाया और तिलक लगाकर क्या किया, ब्राह्मणों को बुलाया, आहुया विप्राण विप्रों को बुलाया। कैसे ब्राह्मणों को, खैनी खाने वाले ब्राह्मणों को। कैसे ब्राह्मणों को, आहुया विप्राण वेद ज्ञान, वेद में पारंगत, वेद को जानने वाले मानने वाले शुद्ध ब्राह्मणों को नंद बाबा ने बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया। और उस समय नंद बाबा ने 60,000 गाय का दान किया। और आजकल तो वेद को जानने वाले ब्राह्मण भी खैनी और पुड़िया खाते हैं, इसलिए बच के रहिएगा। अभी रिसेंटली मैं कहीं पे गया था, कोई मंदिर गया था, हमारे दादाजी लेके गए थे, मैं नॉर्मली खड़ा था उनके पीछे। उनको थोड़ा लोग जानते हैं कि वेद शास्त्र पढ़ने वाले हैं, मुझे नहीं, मेरे दादाजी को। तो मैं बहुत शांत पीछे खड़ा था, तो एक जो मंदिर के थे वो लोग आए और बता रहे थे ये पुराण पढ़ लिया था। और बीच आप समझ रहे हैं मेरे सारे को, बीच बीच से उसके मुख से जैसे कूलर जब चलाते हैं तो दो चार बूंद पानी गिरता ना, वैसे निकल भी रहा था। साथ ही साथ पूरे मंदिर के प्रांगण को दुर्गंधित करके रखा था उसने, और बखान किए जा रहा है। मैं वेद पढ़ता पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, मैं भागवत भी बोलता हूँ। ये स्थिति, ये जब उन्होंने बोला मेरा बड़ा दिल दुख गया कि भाई ब्राह्मण है, वेद पढ़ा है, पुराण पढ़ा है, भागवत भी बोलता है। अब ऐसे ब्राह्मणों के मुख से अगर सुनेंगे तो क्या होगा, आप बताओ। बचना चाहिए, इसलिए तो शुद्ध गोस्वामी ने कहा, हे ऋषि मुनियों अहम विलोम जाता। भागवत पढ़ने वाले या कोई ब्राह्मण भागवत सुनाए या ना सुने मतलब नहीं करता। क्या बताया शुद्ध गोस्वामी ने, हे ऋषि मुनियों अहम विलोम जाता, मैं कौन जात से हूं, विलोम नीचे जात से हूं, लेकिन कृष्ण कृपा तो देखो, भागवत को अपने जीवन में उतारने की कृपा तो देखो। आज बड़े बड़े ऋषि मुनि जो वेद पारंगत हैं, जो ब्राह्मण हैं, शुद्ध ब्राह्मण हैं, आज वो मेरे सामने बैठ करके मुझसे भागवत सुन रहे हैं। कभी भी ये नहीं देखना चाहिए।
तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सुंदर वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया और उस समय नंद बाबा ने 60,000 गाय को दान किया, तिल के पर्वत का दान किया, 6 फुट मानो तिल रखे जाते थे और उसको दान किया जाता। नंद बाबा के घर पर बहुत दिन के बाद पुत्र की जन्म हुआ है, यह बात ब्रजवासियों को पता चलते समस्त ब्रजवासी बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र जैसे आप लोग पहन के आए, हाथों में बहुत सुंदर सुंदर उपहार जैसे आप लोग लेकर के आ रहे थे, मैं देख रहा था। ले लेकर ले करके नंद बाबा के घर पर आए और नंद बाबा ने सबका स्वागत किया। नंद बाबा के घर पर एक उत्सव मच गया और सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद पुत्र का जन्म हुआ, सारे ब्रजवासीगण खेलने लगे। किससे खेलने लगे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नंद तुवा मज उत्पन्ने चाता आहिर्द महामना आहुय विप्रा वेद ज्ञान श्रात सूची अलंकृता चाता आहिर्द महामना आहुय विप्रा वेद ज्ञान शातह सूची अलंकृता। नंद बाबा प्रसन्न हो, महामन, नंद बाबा का मन एकदम महान हो गया, विशाल हो गया, महान बाबा हो गया, हृदय में आनंद छो गया और अनेकों ब्रजवासी आए और ब्रजवासियों के साथ आनंद कर रहे। अनेकों मात्रा में माखन पड़ा था, दूध पड़ा था, दही पड़ा था, माखन उठा उठा कर माखन के लौंदे एक दूसरे के ऊपर मारने लगे, दूध उठा उठाकर एक दूसरे के ऊपर डालने लगे, दही उठा उठाकर एक दूसरे के ऊपर उढ़ेलने लगे, एक दूसरे को बड़े बड़े दूध के पात्र में पोरने लगे, अद्भुत, एक दूसरे के ऊपर माखन उछाल रहे हैं। किसी ने कहा, धन्य है नंद बाबा, दूध दही और माखन खेल रहे हैं। आज वर्तमान में दूध दही और माखन की बात छोड़ो, देवराज इंद्र को छाछ भी नसीब नहीं है। माखन उछालने लगे और इतना उछाला कि कीचड़ बन गए और सब लोग एक ही ध्वनि करने लगे, क्या नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की, नंद घरे आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद। हरि हरि ऐसे थोड़ी मनता है। कान्हा जन्म बधाई हो यारी हो मेरी मैया, जन्म बधाई हो यारी हो मेरी मैया, काना या नंद के जन्मे लाला जालू ते मोती म
माला आनंद जू के घर जन्म बाला जहाँ लूटे मोती माला मोती छर रर 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 हो यारी हो ये मेरी मैया मोती छर काना जन्म बधाई हो यारी हो ये मेरी मैया माखन माट ढुरावे दधी दूध पनार बहावे कोई माखन माट ढुरावे कोई दूध हाँ कोई माखन माट ढुरावे दधी दूध पनार बहावे कोई माखन माट झरना झर रर 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 हो अरे हो मेरी मैया झरना झरना काना जन्म बधाई हो अरे हो मेरी मैया कोई लडुआ ले लुढ़कावे बर्फी की चोट चलावे कोई लडुआ ले लुढ़कावे बर्फी की चोट कोई लडुआ ले लुढ़कावे बर्फी की चोट चलावे कोई लडुआ ले लुढ़का पापड़ पापड़ पड़ रर 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 वो अरे हो मेरी मैया पापड़ पर राधा जन्म बधाई हो अरे हो मेरी मैया काना जन्म बधाई नाचे फिर कैया लेके सब कूदे तारी देके नाचे फिर कैया हाँ नाचे फिर कैया लेके सब कूदे तारी देके नाचे फिर कैया तननन तननन हो अरे हो मेरी मैया तानन तननन या काना जन्म बधाई हो अरे हो मेरी मैया कोई महुवर बेन बजावे कोई गीत रसीले गावे कोई महुवर बेन हाँ कोई महुवर बेन बजावे कोई गीत रसीले गावे कोई महुवर ढम 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 हो अरे हो मेरी मैया ढोलक ढम काना जन्म बधाई हो अरे हो मेरी मैया सब ना
नाच रही है गोरी, श्री बंद बाबा की पोरी सब नाच रही। नाचते हुए हरी हरी, हाँ सब नाच रही है गोरी, श्री नंद भवन की पोरी सब नाच रही है। ठम 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 हो अरी हो मेरी मैया, ठुमके काना जन्म बधाई हो अरी हो मेरी मैया, हरिनाम।
नाम संकीर्तन के जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री राधा माधव की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौर निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओ। हरे कृष्णा ओके थैंक यू सो मच। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा जन्म उत्सव था इसलिए थोड़ी लंबी चल गया। शिवा लीला पर और महाराज जी का हम लोग महामंत्र से स्वागत करेंगे और समय से आने का कष्ट करेंगे क्योंकि जब तक श्रोता नहीं रहेंगे तो वक्ता का अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान नहीं होता है, नहीं आ पाता है क्योंकि जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होती है तब तक श्रोता वक्ता के मन में उत्कंठा नहीं उत्पन्न होता है तो वो भाव नहीं आ पाता है। इसलिए हम आप लोग से करवत प्रार्थना कर रहे हैं कि समय से आने का कष्ट करें और प्रभु जी का महामंत्र से हम लोग स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। और अगल बगल के लोग खाखड़ा जलवैया सिंगवा से जो लोग आए हैं उनका हम लोग महामंत्र से स्वागत करेंगे। जो लोग हम लोग को बहुत सहयोग देते हैं प्रेम देते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। कल हम लोग खाखड़ा में जिसके पास मोटरसाइकिल होगा वो लोग फेरी के लिए चलेंगे। हम लोग 10 से लोग होंगे 20 से लोग होंगे खाखड़ा में चलेंगे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का मिशन है कि जब तक कीर्तन के फेरी नहीं जाता है तो कथा भागवत कथा अधूरा रहता है क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु भगवान को जो अवतार लिए उनका कीर्तन ही सबसे प्रिय है। जो भी कीर्तन में जाता है उस पर महाप्रभु का कृपा प्रदान होता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सभी लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे मोटरसाइकिल से और लोग हम लोग खाखड़ा के लिए प्रस्थान करेंगे। हरि बोल जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की पुराण भागवत निर्मल मा सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल पर लीला रति रस रस निधान की लीला रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनि त्रिपाप निवारिणी जन्म मृत्यु मय भव भय हारिणी जन्म सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमोह सदि हरि चरित ज्ञान की सुमा आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास भगवत रस प्रपश प्रकाशिनी पर
परमात्म ज्ञान की परम ज्योति आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस राज विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की कथा आरती अति पावन पुराण की आरती हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण